प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधियों ने 2024 की परीक्षा के लिए अब पढ़ाई शुरू की है। आज सुबह ही नया चैप्टर खुला, लेकिन शाम तक उल्टा पड़ गया। आज ही मोदी से नए सवाल पूछे गए, लेकिन शाम तक सवाल भी उल्टे पड़ गए। एक बड़े पावरफुल नेता हैं, वो नरेंद्र मोदी की डिग्री मांग रहे थे, लेकिन उनको अपने कैंप के अंदर ही कह दिया गया कि डिग्री मत मांगिए वरना नुकसान हो जाएगा। एक नेता अडानी कर रहे थे, उन्हें कहा गया कि कुछ नई कहानी ढूंढिए। 2024 के लिए आज तक मोदी विरोधियों को सिंगल पॉइंट नैरेटिव नहीं मिला है। यही कंफ्यूजन उन्हें बार बार सिलेबस रिवीजन करने के लिए मजबूर कर रहा है। परीक्षा नजदीक आ रही है, लेकिन विरोधियों का पूरा सिलेबस ही बिगड़ा हुआ है। 2024 के लिए विरोधियों को किस चैप्टर में होप दिख रही है और कहां वो बिल्कुल होपलेस हैं, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। नरेंद्र मोदी के सियासी दुश्मन फिर बन गए। केजरीवाल ने ऐसा मुद्दा उठा दिया जिस पर प्रधानमंत्री का अपोजिशन कैंप दोफाड़ हो गया। शरद पवार अलग, अखिलेश यादव का कैंप अलग, केजरीवाल और उद्धव ठाकरे का कैंप बिल्कुल अलग थलग। विपक्ष की एकता पर भाईजान भी ताना मार रहे हैं। अब ये अपोजिशन यूनिटी ये होगी क्या? डिग्री, जेपीसी, अडानी, दंगा, ईडी, सीबीआई और ईवीएम, मोदी विरोधियों ने जो जो मुद्दा चुना वही बम बनकर फट गया। प्राइम मिनिस्टर की डिग्री का मुद्दा अरविंद केजरीवाल ने निकाला। अगर डिग्री है और वो सही है तो डिग्री दिखाई क्यों दी क्यों नहीं जा रही? नरेंद्र मोदी की डिग्री पब्लिक फोरम पर अवेलेबल है। मोदी की डिग्री अखबारों में छप चुकी है। मोदी की डिग्री टीवी पर दिखाई जा चुकी है। मोदी की डिग्री सोशल मीडिया पर भी है। फिर भी केजरीवाल को मोदी की डिग्री देखनी है। हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। फिर भी आम आदमी पार्टी ने कैंपेन लॉन्च कर दिया, मोदी जी डिग्री दिखाओ। केजरीवाल की पार्टी के लीडर अपनी अपनी डिग्रियां दिखा रहे हैं, मगर वो कहावत है ना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। ठीक वैसे ही केजरीवाल का कैंपेन लॉन्च होते ही डिग्री का गुब्बारा पंचर हो गया। मोदी विरोधी कैंप के सबसे बड़े एक्सपीरियंस्ड नेता शरद पवार ने डिग्री वाले गुब्बारे में सुई मार दी। शरद पवार का कद 5 सांसदों वाली पार्टी के नेता से बहुत बड़ा है। पवार की हां और ना से महाराष्ट्र की 48 सीटें डिसाइड होती हैं। पवार महाविकास अघाड़ी के सूत्रधार हैं। 24 के लिए पवार का विरोधी कैंप में होना बहुत जरूरी है। डिग्री के इश्यू पर उद्धव ठाकरे खुल्लम खुल्ला केजरीवाल के सपोर्ट में है, मगर पवार के ताजा रुख से ठाकरे कैंप भी सख्ती में है। होना चाहिए, अगर संवैधानिक पद पर व्यक्ति की डिग्री जरूरी नहीं है, वो डिग्री उसके पास हो या ना, डिग्री के सिवाय भी यज्ञ चलता है।
लेकिन अगर संवैधानिक पद पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर, मंत्री, उनकी डिग्री होने से कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर है तो सही होनी चाहिए। तो पूरे हमारे जो यूनिवर्सिटीज हैं वो तो बोगस डिग्री के फैक्ट्री बन जाएगी। प्रधानमंत्री है, उनकी डिग्री के ऊपर सवाल खड़ा हुआ है, तो प्रधानमंत्री की तरफ से बारे में खुलासा करना चाहिए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं कभी विश्वविद्यालय में गया नहीं हूं। अगर नहीं गए हैं तो जो डिग्री देश के गृह मंत्री आपके नाम की दिखाते हैं, एमए विद एंटायर पॉलिटिक्स, उस प्रकार का कोई सब्जेक्ट नहीं, तो डिग्री कहां से आई? अखिलेश यादव के पार्टनर जयंत चौधरी ने भी रूट चेंज किया है। जयंत चौधरी ने ट्विटर का रूट सिलेक्ट किया, आम आदमी पार्टी के एक ट्वीट को टैग करके गोला दाग दिया। जयंत लिखते हैं, मेरे पास एमएससी की डिग्री है, पापा आईआईटीएन थे, लेकिन किसी की शैक्षणिक योग्यता का सबूत मांगने के लिए कैंपेन लॉन्च करना ठीक नहीं। डिग्री के मुद्दे पर कांग्रेस मोदी के साथ डायरेक्ट टक्कर से बचती है। कांग्रेस इकोसिस्टम के सहारे मोदी पर अटैक करती है। डिग्री पर पवार के ताजा रुख के बाद उधर भी सन्नाटा है। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी किसी एक नेता का सबसे ज्यादा विरोध करते हैं तो वो है नरेंद्र मोदी। इसके बावजूद एंटी मोदी कैंप के नेता ओवैसी को अपने खेमे का नहीं मानते। मोदी की डिग्री पर ओवैसी का भी अपना टेक है। हम क्या करेंगे भाई, ये तो इन लोगों का मामला है जो अपोजिशन में है, सब लोग वो बताएं, इनमें इतना डिफरेंस कैसे आ गया? पूरा पार्लियामेंट आपने रोका, पार्लियामेंट को आपने रोका, एक स्ट्रेटजी बनाई आपने, फिर आप ही के मेन पार्टनर और वो बड़े लीडर है शरद पवार साहब, वो ये कह रहे हैं तो उनको बोलना चाहिए, आपको आपको पूछना चाहिए कांग्रेस के नेताओं से, और खासतौर से उस नेता से पूछना चाहिए जिनकी मेंबरशिप चलेगी विचारों की, उनसे पूछिए। वो तो फोटो लगाए निकाले थे लोकसभा में, लोकसभा में फोटो निकाल के बताया था ना, प्रधानमंत्री जो है एयरक्राफ्ट में बैठ रहे हैं, वहां जा रहे हैं, उनको बोलना चाहिए। अब ये अपोजिशन यूनिटी ये होगी क्या, आप बताइए। हाँ, जहां तक हमारी डिग्री का सवाल है, हमारी डिग्री है, हमारे पास डिग्री है, हम अगर कोई देखना चाह रहे तो वो लिंकन जिनको ईमेल कर ले, डिग्री हमारी मिल जाएगी, उसमें यूनिवर्सिटी में बीए की डिग्री मिलेगी हमारी, हमारी डिग्री तो है भाई। अडानी का मुद्दा राहुल गांधी लेकर आए। हम दो हमारे दो का नारा कांग्रेस ने दिया। राहुल गांधी को लगा कि अडानी का मुद्दा क्लिक कर जाएगा। 1 फरवरी 2023 हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी सही टाइम पर आ गई, शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव भी हो गया, लेकिन आखिर में अडानी वाला दांव उल्टा पड़ गया। कभी 16 दलों ने, कभी 17 दलों ने, कभी 18 दलों ने जेपीसी की मांग करते हुए मार्च किया। बजट सेशन का दूसरा पार्ट बायकॉट और नारेबाजी में ही निकल गया। अब पवार इससे अलग हुए। उनकी जेपीसी की मांग होगी, जेपीसी हो रही है तो कोई हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पवार साहब ने इतना ही कहा है कि जेपीसी में नंबर ऑफ मेंबर्स रूलिंग पार्टी के ज़्यादा रहते हैं, और उसमें जो निष्कर्ष बाहर आने वाला है वो क्या आने वाला है वो मेजॉरिटी तय करती है। शरद पवार और ममता बनर्जी अडानी और जेपीसी के मुद्दे पर कांग्रेस से अलग राय रखते हैं। पवार और ममता यानी महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, 48 सीट और 42 सीट दोनों मिला दें तो 90 सीट पर विरोधी कैंप का कैलकुलेशन बिगड़ गया है। यूनाइटेड अपोजिशन की पोजीशन डिसबैलेंस हो गई है, असर 24 पर भी होगा। पवार ने रफाल पर राहुल का साथ नहीं दिया, पवार ने पेगासस पर राहुल का साथ नहीं दिया, पवार ने कृषि कानूनों पर अलग लाइन ली
और अब पवार ने जेपीसी को गैर जरूरी बता दिया। कांग्रेस के बड़े नेता शरद पवार पर खामोशी अख्तियार किए बैठे, मगर तीसरी चौथी कतार के कुछ नेता पवार पर भद्दे कमेंट भी कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने पवार के लिए डरा हुआ और लालची जैसा विशेषण यूज किया। ये राहुल गांधी के लिए कतई अच्छे संकेत नहीं है। हम जेपीसी की मांग करेंगे, क्योंकि वो पूछने का अधिकार हमारा है। ये देश के जनता के पैसे जो SBI में रखे थे, जो LIC में रखे थे, कर्मचारी के प्रोविडेंट फंड हो, जो अदानी ने झूठे पेपर दिखाकर लूटा है, डाका डाला है, उसका हिसाब पूछने का अधिकार कांग्रेस को है, इस देश के जनता को है। और हम जेपीसी के बारे में हम अड़े रहेंगे। जनता के एक एक पैसे का हिसाब नरेंद्र मोदी जी को देना पड़ेगा। बिहार के डिप्टी CM और लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव के नाम फिर से समन आया है। तेजस्वी को ED ने पूछताछ के लिए बुलाया है। जमीन लिखवाकर रेलवे की नौकरी देने के केस में तेजस्वी को मंगलवार सुबह 11 बजे ED ऑफिस में पेश होना होगा। विपक्षी दल ED और CBI से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी तक लगाए, लेकिन वहां से भी फटकार मिली। आज जब तेजस्वी को ED का बुलावा आया तो उन्होंने मुद्दा बिहार दंगे की तरफ डाइवर्ट कर दिया। जांच हो रहा है और जांच में चीजें जो है स्पष्ट हो रही है, और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उन सब पे कार्रवाई की जा रही है, तो किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। लगातार जब से हुआ है नज़र है लोगों की, और उसी हिसाब से कंट्रोल किया गया। जो जिस प्रकार का इन लोगों ने डिज़ाइन किया था कि भाई, उसको काफ़ी हद तक सरकार ने, प्रशासन ने कंट्रोल किया माहौल, लेकिन प्लानिंग तो बहुत बड़ी थी। इससे पहले भी तमिलनाडु वाला क्या प्लान था, किस हिसाब का माहौल बन गया था, तो ये तो जानबूझ करके बिहार में माहौल खराब करना चाहते हैं भाजपा के लोग। साजिश रचने के आरोप में 5 हिंदू लड़कों को गिरफ्तार किया है। यह है मनीष कुमार। तेजस्वी ने इनको फट से BJP के साथ कनेक्ट कर दिया। दंगों के ठीक बाद नीतीश का इफ्तार, ये माजरा क्या है सरकार? कभी सफेद टोपी, अलग अलग लुक में नजर आए। OIC कहते हैं नीतीश इफ्तार के नाम पर बस फैंसी ड्रेस कंपटीशन कर दावत करते हैं और बैठकर मजे से मजे ले लेकर खजूर खाते हैं। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? आप सत्ता में आप है, कुछ तो अपनी अखलाकी जिम्मेदारी दिखाइए, संवैधानिक जिम्मेदारी दिखाइए और इसकी रोकथाम करिए, और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दीजिए ना आप। भाई, सेकुलरिज्म का नाम सिर्फ आपको चुनाव में क्यों आता? सेकुलरिज्म का नाम सिर्फ आपको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का क्यों किया था? भाई, सेकुलरिज्म का अगर याद है आपको तो मुआवजा दीजिए, जिनका नुकसान हुआ उनकी उनकी मदद करिए, और जो नहीं हो रही सरकार की तरफ से, सिर्फ इफ्तार की पार्टी में खुशियां मनाई जा रही हैं जब लोग परेशान हैं, बर्बाद हो चुके हैं। OIC अकेले नहीं है। इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बने प्रशांत किशोर भी RJD के लिए ऐसी ही भविष्यवाणी कर रहे हैं। समाज को समझ है, वो कह पाए न कह पाए। ये आप कह रहे हैं कि समाज जातियों से ऊपर नहीं उठेगा, हम तो हर प्रेस वार्ता में आपको बता रहे हैं कि समाज ने पहले भी, पहले बहुतेरे ऐसे उदाहरण हैं जब समाज ने दिखाया है कि उसमें वो समझ, वो ताकत है कि वो जातियों से ऊपर उठकर समाज के हित में वोट करता है। जरूरत इस बात की है कि वो प्रयास किया जाए। एक और आप इफ्तार पार्टी कर रहे हैं और एक और आपके कैंडिडेट को उसी समाज के लोग वोट नहीं कर रहे हैं। इफ्तार पार्टी जितना करना है करते। रामनवमी के दिन पश्चिम बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र में हुआ दंगा BJP को पॉलिटिकल एडवांटेज देने वाला है। बंगाल में BJP सुस्त पड़ी हुई थी,
हावड़ा और हुगली के दंगों ने उसे मोबिलाइज कर दिया। महाराष्ट्र में भी संभाजीनगर दंगों के बाद धर्म की एकदम क्लियर लाइन खिंच गई है। सनातनी हिंदू, उदार हिंदू और कट्टर हिंदू सब एक तरफ है। शिंदे और फडणवीस की जोड़ी को जो टास्क मिला है वो अच्छे से निभा रहे हैं। बड़े कैनवस को प्रधानमंत्री खुद पेंट कर रहे हैं। ट्विटर पर मोदी को 87.7 मिलियन यानी 8,77,00,000 लोग फॉलो करते हैं। आज प्रधानमंत्री को एक स्पेशल फॉलोअर मिला। ट्विटर के सीईओ और इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने मोदी को फॉलो करना शुरू कर दिया है। एलन मस्क दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाली सेलिब्रिटीज में से एक है। मस्क का मोदी को फॉलो करना हिंदुस्तान में बहुत से लोगों की जलन का कारण है। जो पार्टियां ट्विटर और फेसबुक के सहारे ही चल रही हैं, ऐसी पार्टियों को मस्क ने होपलेस कर दिया है। अभी तो ये शुरुआत है, 24 की डगर पर ऐसे अनगिनत मोड़ आने वाले हैं। साल 2024 का चौथा महीना चल रहा है और इन चार महीनों से लगातार राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी हर चौथे दिन चीन पर एक नया पन्ना निकाल कर लाते हैं और आरोप लगाते हैं कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चीन ने कब्जा कर लिया है। कभी सैटेलाइट की तस्वीरें दिखाते हैं, कभी गूगल की इमेजेस दिखाते हैं, कभी किसी रिपोर्ट का हवाला देते हैं। वो चार महीने से लगातार ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार चीन से डरती है, इसलिए चीन पर एक शब्द नहीं कहती। लेकिन आज मोदी दिल्ली से नहीं बल्कि चीन के बॉर्डर के सबसे करीब अपने सबसे ताकतवर मंत्री अमित शाह को भेजकर एक सिग्नल भेज रहे थे। अमित शाह अरुणाचल के एक ऐसे गांव में थे जहां से चीन का बॉर्डर सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर है। इस वक्त भी गृहमंत्री चीन बॉर्डर के एक आईटीबीपी कैंप में मौजूद हैं। वहीं से अमित शाह ने चीन को बहुत कुछ कहा और चीन को लेकर रोज नए दावे करने वाले विरोधियों को भी और क्या मैसेज दिया है, देखिए इस रिपोर्ट में। आज चीन और भारत में चीन चीन जपने वाले गैंग को बहुत मिर्ची लगी है। हमारी सेना और हमारी सीमा इसके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकेगा, ये हमारी सरकार की नीति है। संदेश साफ है, चीन पर भ्रम मत फैलाओ, देश को मत भड़काओ। वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आई सौ की सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। एक हफ्ते यानी 7 दिन चीन को क्लियर कट मैसेज देने में मोदी को बस इतना ही वक्त लगा। जिनपिंग को लगा कि उसकी मनमानियों और बेबुनियाद हरकतों का दौर भारत में अब भी चलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 3 अप्रैल को चीन ने अरुणाचल की 11 जगहों के नाम बदले और ठीक 7 दिन में भारत ने चीन की सीमा पर पहुंचकर उसे ही करारा जवाब दे दिया। नरेंद्र मोदी सरकार की, और इसके कारण हमने सीमाओं की सुरक्षा को ही राष्ट्र की सुरक्षा माना है। इसके आगे और कोई संदेश हो नहीं सकता। सबसे पहले तो ये देखिए कि अमित शाह जिस जगह आज खड़े थे वो है कहां। वो अरुणाचल प्रदेश के नक्शे में कहां दिखती है? वो जगह एक छोटा सा गांव है, नाम है किबीथू। आज से पहले शायद ही किसी ने किबीथू का नाम सुना हो। गांव की खासियत यह है कि यह चीन बॉर्डर पर अरुणाचल प्रदेश का पहला गांव है। यहां से चीन की सीमा सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर है। सोचिए, चीन को संदेश देने के लिए मोदी ने इसी गांव को चुना। अपने सबसे बड़े सेनापति को भेजा। अमित शाह चीन सीमा में सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी से चीन को साफ साफ शुद्ध हिंदी में समझा रहे थे कि यह हमारा पहला गांव है और इन गांवों की रक्षा मरते दम तक करेंगे। भारत के पहले गांव में उपस्थित आप सभी
अरुणाचल वासियों को बहुत प्यार भरा नमस्कार, वंदे मातरम। किबूथू की ये धरती जहां से भारत की शुरुआत होती है और एक गांव भारत की शुरुआत का गांव। प्रधानमंत्री जी ने पूरी बात को अलग तरीके से सम्मान के साथ रखा है। पहले जब मध्य भारत से कोई आता था तो कहता था कि मैं भारत के अंतिम गांव में जाकर आया, और अब जब यहां जैसे मैं वापिस जाऊंगा मेरी पोती को बताऊंगा कि मैं भारत के पहले गांव में जाकर आया हूं। सवाल सिर्फ चीन का नहीं है, चीन से तो भारत की सरकार और सेना निपट ही रही है। सवाल है उस इकोसिस्टम का जो इस देश के भीतर मौजूद होकर दिन रात चीन चीन जपता रहता है। यह इकोसिस्टम वही है जो खुलेआम भारत की सेना के मनोबल को गिराता है, चीन से लड़ने की उनकी क्षमताओं पर सवाल उठाता है। और जब ऐसी खबरें आती हैं कि चीन ने अरुणाचल के गांवों का नाम बदला तो फिर यही इकोसिस्टम तुरंत राजनीति करने भी उतर जाता है। तुरंत ट्वीट ट्वीट का खेल शुरू होता है, हिमाकत दुस्साहस जैसे बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग होता है, मोदी से सवाल पूछे जाते हैं, मोदी को ललकारा जाता है कि चीन का नाम क्यों नहीं लेते, क्या डरते हो, यह तक पूछा जाता है। अपनी अपनी ट्विटर टाइमलाइन पर वीडियो बना लिए जाते हैं ताकि चीन चीन करने में मजा आए। एक नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ टारगेट पर प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो चीन ने 3 अप्रैल को फिर से 11 ऐसे स्थान है अरुणाचल प्रदेश के जिसका नामकरण अपनी भाषा में कर दिया। इससे पहले दिसंबर 2021 में 15 स्थानों का किया था। सवाल यह पूछना पड़ेगा कि चीन ये दुस्साहस कर कैसे रहा है, कभी सोचा है आपने? ये दुस्साहस, ये धृष्टता, ये हिमाकत उस क्लीन चिट का नतीजा है जो इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री ने चीन को दी थी और कहा था कि कोई घुसा हुआ नहीं है। एनसीआरटी में मुगलों की तारीख को मिटाया जा रहा है और चीन हमारी प्रेजेंट को मिटा रहा है, प्रेजेंट को मिटा रहा है हमारे नामों को, ये इसमें खुश है और चीन प्रेजेंट नामों को मिटा रहा है, तीसरी मर्तबा हो चुका है। लेकिन मोदी भी चुपचाप सब देखते और सुनते रहे और जब मौका आया तो चीन को चीन की सीमा पर ही जाकर ऐसा जवाब दिलवाया कि सबकी बोलती बंद हो गई, विरोधी तो कहीं के न रहे। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आई सॉ की सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आईटीबीपी और भारतीय सेना यहां पर उपस्थित है। यहां पर 13,000 फुट की ऊंचाई पर कठिनाई के साथ अपने युवानी को बिताते हुए अपने परिवार से दूर, बूढ़े मां बाप और छोटे बच्चों के से दूर रहकर देश की सेवा कर रहे वो सभी जवानों के त्याग, बलिदान, शौर्य और उत्साह को और देशभक्ति को मैं दो हाथ जोड़कर प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मोदी की नीति साफ है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए अपने सबसे बड़े मंत्री को भेजा, चीन की सीमा से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर भेजा, साफ साफ कहलवाया कि 1 इंच जमीन भी नहीं लेने देंगे, ये भी कहलवाया कि भारत के लिए बॉर्डर की सुरक्षा मतलब राष्ट्र की सुरक्षा है। और जैसी कि चीन के तिलमिलाने की उम्मीद थी वही हुआ। अमित शाह ने अभी तक अपना भाषण शुरू भी नहीं किया था कि चीन के विदेश मंत्रालय का भारी मिर्ची लगने के बाद एक बयान भी आ गया। चीन की तरफ से कहा गया है कि जागनान यानी अरुणाचल प्रदेश चीन का है, अमित शाह का दौरा चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन है और यह सीमा की स्थिति में शांति के लिए उचित नहीं है। अमित शाह ने तो तब तक अपना भाषण शुरू भी नहीं किया था, तुरंत चीन को वहीं से हिंदी में समझा दिया गया कि हमारे लिए बॉर्डर ही सब कुछ है। 1000 किलोमीटर से लंबी भूमि सीमा को हमने सुरक्षा की दृष्टि से कोई इसके अंदर कोई गोताही नहीं बरतते। हमारी नीति स्पष्ट है, हम सबसे शांति चाहते हैं, मगर हमारे देश की एक इंच भूमि पर भी कोई अतिक्रमण नहीं कर सकेगा। हमारी सेना और हमारी सीमा
इसके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकेगा। ये हमारी सरकार की नीति है, नरेंद्र मोदी सरकार की नीति, और इसके कारण हमने सीमाओं की सुरक्षा को ही राष्ट्र की सुरक्षा माना है। इसके आगे और कोई संदेश हो नहीं सकता। अब इससे ज्यादा साफ संदेश क्या हो सकता है चीन के लिए, और साथ ही चीन प्रेमियों के लिए भी, जो दिन रात हर वक्त बस चीन चीन करते रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदलने पर इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय भी कह चुका है कि हम इन नए नामों को सिरे से खारिज करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का आंतरिक हिस्सा था, हिस्सा है और रहेगा। इस तरह से नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलेगी। चीन अरुणाचल को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है, इसीलिए वो अरुणाचल को भारत के राज्य के तौर पर मान्यता नहीं देता। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा भी। चीन भारत को उकसाने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां करता रहता है। चीन ने पिछले 5 साल में तीसरी बार अरुणाचल के इलाकों के नाम बदले हैं। इससे पहले 2021 में चीन ने 15 जगहों, 2017 में 6 जगहों के नाम बदले थे। चीन इन इलाकों के नाम बदलकर मैंड्रिन और तिब्बती भाषा में रखता है। जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने चीन बॉर्डर पर रहने वाले गांवों के प्रति सरकार की नीतियों को भी बदला है, जिसके तहत इन गांवों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसीलिए आज अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के चीन बॉर्डर से वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम की भी शुरुआत की। वीवीपी बॉर्डर के गांवों को विकसित करने की केंद्र की योजना है। इसके लिए अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के गांवों को चुना गया है। कुल 19 जिलों के 46 ब्लॉक में 2967 गांवों की पहचान की गई है। इन गांवों को 2026 तक 4800 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां पर पानी को रोककर पीने की पानी के स्रोत खड़े करना, जल विद्युत आपूर्ति करकर जल विद्युत से यहाँ की सेना के जवान, आईटीबीपी के जवान और ग्रामीण जनों को बिजली पहुंचाना, स्वास्थ्य की सुविधाएं खड़ी करना और आवश्यक सेवाएं सारी गांव में उपलब्ध कराना, ये 3 चरण में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम होगा। और इसके माध्यम से समग्र उत्तरी बॉर्डर के सभी गांव, जहां से आबादी कम होने का खतरा दिखाई पड़ता था, वहां आबादी को बढ़ाने का काम करना, वहां देश भर से पर्यटन आए इस प्रकार की सुविधा करना, और जो देश के शहर में जो सुविधा नागरिकों को उपलब्ध है, वो सारी सुविधा आप लोगों को मिले। सरकार ने सिर्फ चीन बॉर्डर के गांवों पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि यहां सर्व करने वाले सैनिकों और आईटीबीपी के जवानों का भी खास ख्याल रखा है। उन्हें ऐसे हथियार और उपकरण दिए गए ताकि वो चीन का मुकाबला कर सके। हमने ढेर सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी सेना को भी दिए हैं, आईटीबीपी को भी दिए। इसके कारण भी आपको काफी सारी सुविधाएं हो रही है। वस्त्र, हथियार, उपकरण, इस सब में मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि आईटीबीपी को दुनिया के किसी भी बल से हम एक इंच भी पीछे रहने नहीं देंगे। अच्छे से सर्दी का विरोध करने वाले, इसको रोकने वाले वस्त्र, उपकरण और टेक्नोलॉजी आपको प्रदान करने के लिए भारत सरकार कृतनिश्चयी है। भारत ने तय कर लिया है कि अब चीन को उसी की भाषा में जवाब देना है, और ये तस्वीरें उसी का उदाहरण है। साल 2024 का चौथा महीना चल रहा है और इन 4 महीनों से लगातार राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी हर चौथे दिन चीन पर एक नया पन्ना निकाल कर लाते हैं और आरोप लगाते हैं कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चीन ने कब्जा कर लिया है। कभी सैटेलाइट की तस्वीरें दिखाते हैं, कभी गूगल की इमेजेस दिखाते हैं, कभी किसी रिपोर्ट का हवाला देते हैं। वो 4 महीने से लगातार ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार चीन से डरती है, इसलिए चीन पर एक शब्द नहीं कहती। लेकिन आज मोदी दिल्ली से नहीं बल्कि चीन के बॉर्डर के सबसे करीब अपने सबसे ताकतवर मंत्री अमित शाह को भेजकर एक सिग्नल भेज रहे थे। अमित शाह अरुणाचल के एक ऐसे गांव में थे जहां से चीन का बॉर्डर सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर है।
इस वक्त भी गृहमंत्री चीन बॉर्डर के एक आईटीबीपी कैंप में मौजूद हैं। वहीं से अमित शाह ने चीन को बहुत कुछ कहा और चीन को लेकर रोज नए दावे करने वाले विरोधियों को भी और क्या मैसेज दिया है, देखिए इस रिपोर्ट में। आज चीन और भारत में चीन चीन जपने वाले गैंग को बहुत मिर्ची लगी है। हमारी सेना और हमारी सीमा इसके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकेगा, ये हमारी सरकार की नीति है। संदेश साफ है, चीन पर भ्रम मत फैलाओ, देश को मत भड़काओ। वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आई सौ की सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। एक हफ्ते यानी 7 दिन चीन को क्लियर कट मैसेज देने में मोदी को बस इतना ही वक्त लगा। जिनपिंग को लगा कि उसकी मनमानियों और बेबुनियाद हरकतों का दौर भारत में अब भी चलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 3 अप्रैल को चीन ने अरुणाचल की 11 जगहों के नाम बदले और ठीक 7 दिन में भारत ने चीन की सीमा पर पहुंचकर उसे ही करारा जवाब दे दिया। नरेंद्र मोदी सरकार की, और इसके कारण हमने सीमाओं की सुरक्षा को ही राष्ट्र की सुरक्षा माना है। इसके आगे और कोई संदेश हो नहीं सकता। सबसे पहले तो ये देखिए कि अमित शाह जिस जगह आज खड़े थे वो है कहां। वो अरुणाचल प्रदेश के नक्शे में कहां दिखती है? वो जगह एक छोटा सा गांव है, नाम है किबीथू। आज से पहले शायद ही किसी ने किबीथू का नाम सुना हो। गांव की खासियत यह है कि ये चीन बॉर्डर पर अरुणाचल प्रदेश का पहला गांव है। यहां से चीन की सीमा सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर है। सोचिए, चीन को संदेश देने के लिए मोदी ने इसी गांव को चुना। अपने सबसे बड़े सेनापति को भेजा। अमित शाह चीन सीमा में सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी से चीन को साफ साफ शुद्ध हिंदी में समझा रहे थे कि यह हमारा पहला गांव है और इन गांवों की रक्षा मरते दम तक करेंगे। भारत के पहले गांव में उपस्थित आप सभी अरुणाचल वासियों को बहुत प्यार भरा नमस्कार, वंदे मातरम। किबीथू की ये धरती जहां से भारत की शुरुआत होती है और एक गांव भारत की शुरुआत का गांव। प्रधानमंत्री जी ने पूरी बात को अलग तरीके से सम्मान के साथ रखा है। पहले जब मध्य भारत से कोई आता था तो कहता था कि मैं भारत के अंतिम गांव में जाकर आया, और अब जब यहां जैसे मैं वापिस जाऊंगा मेरी पोती को बताऊंगा कि मैं भारत के पहले गांव में जाकर आया हूं। सवाल सिर्फ चीन का नहीं है, चीन से तो भारत की सरकार और सेना निपट ही रही है। सवाल है उस इकोसिस्टम का जो इस देश के भीतर मौजूद होकर दिन रात चीन चीन जपता रहता है। यह इकोसिस्टम वही है जो खुलेआम भारत की सेना के मनोबल को गिराता है, चीन से लड़ने की उनकी क्षमताओं पर सवाल उठाता है। और जब ऐसी खबरें आती हैं कि चीन ने अरुणाचल के गांवों का नाम बदला, तो फिर यही इकोसिस्टम तुरंत राजनीति करने भी उतर जाता है। तुरंत ट्वीट ट्वीट का खेल शुरू होता है, हिमाकत दुस्साहस जैसे बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग होता है, मोदी से सवाल पूछे जाते हैं, मोदी को ललकारा जाता है कि चीन का नाम क्यों नहीं लेते, क्या डरते हो, यह तक पूछा जाता है। अपनी अपनी ट्विटर टाइमलाइन पर वीडियो बना लिए जाते हैं ताकि चीन चीन करने में मजा आए। एक नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ टारगेट पर प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो चीन ने 3 अप्रैल को फिर से 11 ऐसे स्थान है अरुणाचल प्रदेश के जिसका नामकरण अपनी भाषा में कर दिया। इससे पहले दिसंबर 2021 में 15 स्थानों का किया था। सवाल यह पूछना पड़ेगा कि चीन ये दुस्साहस कर कैसे रहा है, कभी सोचा है आपने? ये दुस्साहस, ये धृष्टता, ये हिमाकत उस क्लीन चिट का नतीजा है जो इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री ने चीन को दी थी और कहा था कि कोई घुसा हुआ नहीं है। एनसीआरटी में मुगलों की तारीख को मिटाया जा रहा है
और चीन हमारी प्रेजेंट को मिटा रहा है, प्रेजेंट को मिटा रहा है हमारे नामों को, ये इसमें खुश है और चीन प्रेजेंट नामों को मिटा रहा है, तीसरी मर्तबा हो चुका है। लेकिन मोदी भी चुपचाप सब देखते और सुनते रहे और जब मौका आया तो चीन को चीन की सीमा पर ही जाकर ऐसा जवाब दिलवाया कि सबकी बोलती बंद हो गई, विरोधी तो कहीं के न रहे। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आई सौ की सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आईटीबीपी और भारतीय सेना यहां पर उपस्थित है। यहां पर 13,000 फुट की ऊंचाई पर कठिनाई के साथ अपने युवानी को बिताते हुए अपने परिवार से दूर, बूढ़े माँ बाप और छोटे बच्चों के से दूर रहकर देश की सेवा कर रहे वो सभी जवानों के त्याग, बलिदान, शौर्य और उत्साह को और देशभक्ति को मैं दो हाथ जोड़कर प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। मोदी की नीति साफ है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए अपने सबसे बड़े मंत्री को भेजा, चीन की सीमा से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर भेजा, साफ साफ कहलवाया कि 1 इंच जमीन भी नहीं लेने देंगे, ये भी कहलवाया कि भारत के लिए बॉर्डर की सुरक्षा मतलब राष्ट्र की सुरक्षा है। और जैसी कि चीन के तिलमिलाने की उम्मीद थी वही हुआ। अमित शाह ने अभी तक अपना भाषण शुरू भी नहीं किया था कि चीन के विदेश मंत्रालय का भारी मिर्ची लगने के बाद एक बयान भी आ गया। चीन की तरफ से कहा गया है कि जागनान यानी अरुणाचल प्रदेश चीन का है, अमित शाह का दौरा चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन है और यह सीमा की स्थिति में शांति के लिए उचित नहीं है। अमित शाह ने तो तब तक अपना भाषण शुरू भी नहीं किया था, तुरंत चीन को वहीं से हिंदी में समझा दिया गया कि हमारे लिए बॉर्डर ही सब कुछ है। 1000 किलोमीटर से लंबी भूमि सीमा को हमने सुरक्षा की दृष्टि से कोई इसके अंदर कोई गोताही नहीं बरतते। हमारी नीति स्पष्ट है, हम सबसे शांति चाहते हैं, मगर हमारे देश की एक इंच भूमि पर भी कोई अतिक्रमण नहीं कर सकेगा। हमारी सेना और हमारी सीमा इसके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकेगा। ये हमारी सरकार की नीति है, नरेंद्र मोदी सरकार की नीति, और इसके कारण हमने सीमाओं की सुरक्षा को ही राष्ट्र की सुरक्षा माना है। इसके आगे और कोई संदेश हो नहीं सकता। अब इससे ज्यादा साफ संदेश क्या हो सकता है चीन के लिए और साथ ही चीन प्रेमियों के लिए भी जो दिन रात हर वक्त बस चीन चीन करते रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदलने पर इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय भी कह चुका है कि हम इन नए नामों को सिरे से खारिज करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का आंतरिक हिस्सा था, हिस्सा है और रहेगा। इस तरह से नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलेगी। चीन अरुणाचल को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है, इसीलिए वो अरुणाचल को भारत के राज्य के तौर पर मान्यता नहीं देता। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा भी। चीन भारत को उकसाने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां करता रहता है। चीन ने पिछले 5 साल में तीसरी बार अरुणाचल के इलाकों के नाम बदले हैं। इससे पहले 2021 में चीन ने 15 जगहों, 2017 में 6 जगहों के नाम बदले थे। चीन इन इलाकों के नाम बदलकर मैंड्रिन और तिब्बती भाषा में रखता है। जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने चीन बॉर्डर पर रहने वाले गांवों के प्रति सरकार की नीतियों को भी बदला है, जिसके तहत इन गांवों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसीलिए आज अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के चीन बॉर्डर से वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम की भी शुरुआत की। वीवीपी बॉर्डर के गांवों को विकसित करने की केंद्र की योजना है। इसके लिए अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के गांवों को चुना गया है। कुल 19 जिलों के 46 ब्लॉक में 2967 गांवों की पहचान की गई है। इन गांवों को 2026 तक 4800 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां पर पानी को रोककर पीने के पानी के स्रोत खड़े करना, जल विद्युत की
आपूर्ति कर जल विद्युत से यहाँ की सेना के जवान, आईटीबीपी के जवान और ग्रामीण जनों को बिजली पहुंचाना, स्वास्थ्य की सुविधाएं खड़ी करना और आवश्यक सेवाएं सारी गांव में उपलब्ध कराना। ये तीन चरण में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम होगा और इसके माध्यम से समग्र उत्तरी बॉर्डर के सभी गांव जहां से आबादी कम होने का खतरा दिखाई पड़ता था वहां आबादी को बढ़ाने का काम करना, वहां देश भर से पर्यटन आए इस प्रकार की सुविधा करना और जो देश के शहर में जो सुविधा नागरिकों को उपलब्ध है वो सारी सुविधा आप लोगों को मिले। सरकार ने सिर्फ चीन बॉर्डर के गांवों पर ही ध्यान नहीं दिया बल्कि यहां सर्व करने वाले सैनिकों और आईटीबीपी के जवानों का भी खास ख्याल रखा है। उन्हें ऐसे हथियार और उपकरण दिए गए ताकि वो चीन का मुकाबला कर सके। हमने ढेर सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी सेना को भी दिए हैं, आईटीबीपी को भी दिए। इसके कारण भी आपको काफी सारी सुविधाएं हो रही है। वस्त्र, हथियार, उपकरण, इस सब में मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि आईटीबीपी को दुनिया के किसी भी बल से हम एक इंच भी पीछे रहने नहीं देंगे। अच्छे से सर्दी का विरोध करने वाले, इसको रोकने वाले वस्त्र, उपकरण और टेक्नोलॉजी आपको प्रदान करने के लिए भारत सरकार कृतनिश्चयी है। भारत ने तय कर लिया है कि अब चीन को उसी की भाषा में जवाब देना है और ये तस्वीरें उसी का उदाहरण है। प्रयागराज में जिसके आतंक के फिल्मी डायलॉग चलते थे, प्रयागराज जहां कहा जाता था वोट दे देना वरना अतीक आ जाएगा, प्रयागराज जहां गली गली मोहल्ले मोहल्ले अतीक के खौफ का सिक्का चलता था, वहां अतीक अपस्त हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। न सियासी सरपरस्त बचे हैं, न कोई साया, कोई उसका साथ देने तक को तैयार नहीं। डॉन अतीक का गेम कैसे ओवर हुआ, किसने किया, कैसे हुआ, देखिए अतीक की अपराध कथा का अंत इस रिपोर्ट में। अतीक अहमद का माफिया राज और कितने दिन। अतीक का सियासी साम्राज्य अब और कितने दिन। अतीक का खौफ यूपी के दुआबे में अब कितने दिन। जब बुरा वक्त आता है साया भी साथ छोड़ जाता है। सियासत के साथी तो सीटों के मकसद से बनते हैं। अखिलेश और मायावती ने माफिया अतीक का इस्तेमाल किया, मगर जब बाबा का बुलडोजर चला अतीक का कोई न रहा। कभी 12,000 करोड़ के साम्राज्य का सरमाएदार रहा अतीक, आज सलाखों के पीछे सिसक रहा होगा। बिछड़े सभी बारी बारी, देखी जमाने की यारी। उम्मीद थी कि अतीक की पत्नी शाइस्ता मेयर बनेगी, बीएसपी के टिकट पर प्रयागराज से चुनाव लड़ेगी, मगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान कर दिया शाइस्ता परवीन अब बीएसपी कैंडिडेट नहीं। अतीक के परिवार से किसी को टिकट नहीं। अतीक से बीएसपी के सियासी रिश्ते खत्म। शाइस्ता परवीन जनवरी में ही बीएसपी में शामिल हुई थी। मायावती ने प्रयागराज से शाइस्ता को मेयर उम्मीदवार घोषित किया। अतीक के परिवार ने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया था। उमेश पाल की हत्याकांड में शाइस्ता का नाम आने के बाद भी मायावती ने कहा अगर शाइस्ता दोषी हुई तब कार्रवाई होगी, मगर मायावती ने वादा तोड़ दिया, शाइस्ता का टिकट काट दिया। प्रयागराज में पिछले दिनों श्री उमेश पाल की हुई हत्या को लेकर अभी तक मीडिया के जरिए जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं या आए हैं और इस हुई घटना में खासकर अतीक की पत्नी का नाम आते ही वह उसके फरार होने पर अब स्थिति बदल गई है। ऐसी स्थिति में
अब हमारी पार्टी ना तो अतीक की पत्नी को और ना ही उनके परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को वहां मेयर का टिकट देगी। इसके अलावा जहां तक अतीक की पत्नी को पार्टी में रखने व ना रखने का सवाल है, तो उनके पुलिस के गिरफ्त में आते ही जो भी इस केस को लेकर उनके बारे में तथ्य उभर कर सामने आएंगे तो तब इसका भी जल्दी ही फैसला कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारी पार्टी कानून से ऊपर नहीं है, अर्थात कानून का पूरा पूरा सम्मान भी करती है। अतीक के परिवार का इस वक्त कोई सियासी कनेक्शन नहीं बचा। अतीक को उम्मीद थी कि शाइस्ता मेयर बनी तो उसकी दखल बनी रहेगी, यूपी में उसका दबदबा कायम रहेगा, मगर अतीक का सपना टूट गया। कोई और दिन होता तो निकाय चुनाव के दौरान सेंट्रल यूपी के इलाहाबाद, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में उसकी तूती बोलती। अगर अतीक अहमद का सियासी अतीत देखें तो इलाहाबाद पश्चिम सीट से वो 5 बार लगातार विधायक रहा, 2004 में पहली और आखिरी बार सांसद बना, भाई अशरफ 2005 में हुए उपचुनाव में विधायक बना, मगर अशरफ भी 2005 के बाद चुनाव नहीं जीत पाया। अब शाइस्ता परवीन भी प्रयागराज में मेयर की रेस से बाहर हो गई है। शाइस्ता परवीन फरार है और पुलिस ने उस पर 50,000 का इनाम रखा है। शाइस्ता की अग्रिम जमानत भी कोर्ट से खारिज हो चुकी है। जो अतीक अहमद की पत्नी है शाइस्ता परवीन, उनको बीएसपी ने मेयर का उम्मीदवार बना रखा था प्रयागराज से, तो आज मायावती ने टिकट काट दिया और ये भी ऐलान कर दिया कि परिवार में किसी को भी टिकट मेयर का अतीक के परिवार में नहीं देंगी, लेकिन पार्टी में शाइस्ता को रखेगी कि नहीं इसका फैसला बाद में। जो अपराधी है वो अपराधी है, अपराधी के खिलाफ हम लोग शासन की ओर से इतना ही कह सकते हैं कि अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई जारी है वो जारी रहेगी। और बसपा क्या करती है, अगर ये सपा और बसपा और कांग्रेस के लोगों ने अपराध करने वालों को, भ्रष्टाचार करने वालों को राजनीतिक दृष्टि से संरक्षण नहीं दिया होता तो आज राजनीतिक क्षेत्र में इस प्रकार के लोग टिकट की सोचते भी नहीं। आज जो सोच रहे हैं इन्हीं कारण सोच रहे हैं कि हमें टिकट मिल सकता है, हम मेयर बन सकते हैं, कोई सोचता है हम सांसद बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं, तो यह सब इनकी जो दूषित मानसिकता थी उसके परिणाम स्वरूप हुआ। आपको एक बार फिर याद दिला दें, इससे पहले हैदराबाद वाले ओवैसी भाईजान ने अपनी पार्टी AIMIM में शाइस्ता परवीन को ज्वाइन कराया था। ओवैसी ने ताजा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतीक अहमद और शाइस्ता का नाम तक नहीं लिया। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में शाइस्ता परवीन ने AIMIM की पार्टी ज्वाइन की और चर्चा थी कि वो यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन ये चर्चा सिर्फ और सिर्फ चर्चा रह गई, फॉर्मेलिटी में ही रह करके खत्म हो गई बात। लेकिन ओवैसी ने जब शाइस्ता परवीन को AIMIM की सदस्यता दिलाई तो वो उन्हें भाभी भाभी कह करके बुलाया करते थे। अतीक अहमद के साथ सिंपैथी दिखाने में भी ओवैसी जरा भी नहीं थकते थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।